श्री कुंजवारी, श्री हरदास, तो आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ ब्रजवासी में। आप सभी के लिए लेकर आ गए बहुत ही प्यारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज इस वीडियो में माताओं का और भाइयों का कराया हमने कंपटीशन, तो देखते हैं कौन जीतता है। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, सबसे पहले नाम बताइए। सुलदीप शुक्ला। पूनम वर्मा। मीनू गुलाटी। सभी लोग साथ में? नहीं, हम अलग हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से? एमपी से। चलिए बहुत सुंदर, देखते हैं। ऐसा करो, ग्रुप कर लो, फिर देखते हैं ज्यादा कौन बताता है। ठीक है, ग्रुप ग्रुप तो उनका ग्रुप है, हमारा ग्रुप ये है। एक घंटे हमको। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, भगवान श्री राम जी का अवतार किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? रामनवमी। रामनवमी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से, भगवान श्री राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ था, लेकिन उनके नाम के पीछे चंद्र क्यों लगता है? क्योंकि वो चंद्रमा की तरह है, शांत थोड़े से, और चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी, वो सूर्यवंशी है वो, मगर वो चंद्रमा की तरह वो शांत स्वभाव। भगवान श्री राम जी का नामकरण किसने किया? तो कुछ पता है? चलो, एक पॉइंट इन पे हो गया, आप लोग बता दो इसको। वाल्मीकि? नहीं नहीं, रामायण भाई, देख लो। बराबर बराबर। गुरु वशिष्ठ जी ने। गुरु वशिष्ठ जी ने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है ये। एक दो तीन चार, ठीक है, फोर हो गया। भगवान श्री राम जी के नाम का अर्थ क्या है? राम नाम करता बहुत कुछ नहीं कर सकते, जो पूरा जीव मुख्य राम, सिर्फ राम शब्द का पूछ रहा हूँ। राम शब्द का अर्थ ऐसे तो सभी चीज़ बहुत है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम का लो तो बहुत शांत है, शालीन है, हर चीज जो सिखाते हैं। उनके मतलब उनके जो उनका व्यवहार है ना, उसका अर्थ नहीं। हाँ ठीक है, भगवान नाम का अर्थ बताना है, पर बहुत है, क्या ही बताएं। अभी पता रामायण जो आ रही थी ना, उसमें भी बताया गया था, और रामायण में भी बराबर में अभी तो हूँ। ब्रह्मांड में रमा हुआ राम, ठीक है, ब्रह्मांड में रमा हुआ ब्रह्मांड में राम। पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों से, भगवान श्री राम जी का जन्म किस युग में हुआ था? द्वापर युग में। त्रेता युग में। राइट, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे पर किसका चिन्ह बना हुआ था? बजरंगबली का। बहुत बढ़िया, आप भी गीता लेके जाओ और आप भी गीता लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सनातनी भाइयों तक पहुँचा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।